कोरोना के वायरस से दुनिया के कई सारे देश डरे हुए हैं और उस वायरस से हमारा देश भी अछूता नहीं है। भारत में अब तक 30 से ज्यादा कंफर्म मरीज हो चुके हैं। संदिग्धों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन अच्छी बात यह है कि संसद से सड़क तक सरकार सतर्क है और आप और हम भी, यानी कि लोग भी। कोरोना का वायरस दिखा रहा है असर। दिल्ली में 5वीं क्लास तक के सभी स्कूल बंद। पूरे देश में अब तक 25 से ज्यादा मरीज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेल्जियम यात्रा टली। कोरोना वायरस से मुक्ति के लिए हवन पूजा पाठ। अब वायरस से दुनिया के कई देशों में लोगों की सांसें अटकी हुई हैं। उन देशों में एक देश अपना हिंदुस्तान भी है, जहां हर रोज कोरोना वायरस के संदिग्ध मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। घर से दफ्तर तक लोगों को अलर्ट कराया जा रहा है। लोग आजकल मास्क लगा के आ रहे हैं, दिलों में दहशत बैठी हुई है कोरोना वायरस की। ज्यादातर लोग मास्क लगा रहे हैं, कम से कम पब्लिक आ रही है। तो हम महाराष्ट्र से आए हुए हैं, लेकिन सरकार के तरफ से पूरी एडवाइस जारी हुई है, इसलिए अपने आप सुरक्षा रखना जरूरी है। जब यहाँ पहुंचा तो इन्होंने चेकिंग की, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये चेकिंग होनी चाहिए, मतलब जहाँ ये चेकिंग नहीं होती वहाँ बुरा हाल है। यहाँ चेकिंग हो रही है, हमें कोई पता नहीं है मतलब कितना टाइम लग जाओ चेकिंग के बिना, तो हमें भी भरोसा हो गया कि हम ठीक है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना को लेकर प्रशासन भी सतर्क है, लोग भी। सबसे ज्यादा ध्यान बच्चों पर दिया जा रहा है, इसलिए दिल्ली में 5वीं तक के सभी स्कूल 31 मार्च तक बंद कर दिए गए हैं। इसलिए जम्मू के अस्पताल में कोरोना के दो संदिग्ध भर्ती कराए गए हैं। गया के मेडिकल कॉलेज में भी कोरोना का एक संदिग्ध भर्ती है। तमिलनाडु में कोविड-19 के 4 संदिग्ध मरीज अस्पताल में भर्ती कराए गए। कर्नाटक के बीदर में भी 3 लोगों में कोरोना के लक्षण पाए गए। हालांकि अच्छी बात यह है कि दुनिया के दूसरे कई देशों में जिस तरह से कोरोना वायरस का कहर बढ़ा, उस हिसाब से भारत में काफी नियंत्रण है, लेकिन सरकार की कोशिश इसके मुकम्मल इलाज की है। The ever increasing magnitude of this outbreak globally calls for a concerted effort by not only health but all sectors of the government. Honorable Prime Minister is personally monitoring the preparedness and response on a regular basis. भारत में अलग अलग राज्यों, अलग अलग शहरों में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या ना बढ़े, इसके लिए प्रयास जारी है। कोरोना वायरस से लोगों में डर है, लेकिन उससे ज्यादा बचाव और सावधानी बरतने पर जोर दिया जा रहा है। अपने स्तर पर तमाम सरकारें इससे बचने के लिए अलर्ट जारी कर रही हैं। देखिए, पहली बात ये कि इसमें कोरोना वायरस के बारे में पैनिक की जरूरत नहीं है, प्रिकॉशन की जरूरत है, और सरकार ने पर्याप्त व्यवस्था की है इस संबंध में, और पर्याप्त सरकार पूरी तरह से इसके बारे में चौकस है। 31 मार्च तक 5वीं क्लास तक के सारे स्कूल्स, गवर्नमेंट, प्राइवेट, सभी नगर निगम, सभी के स्कूल्स 5वीं क्लास तक के बंद रहेंगे, ये डिसीजन लिया है। और बाकी को अवेयरनेस के लिए और प्रिकॉशंस के लिए एडवाइजेस जारी की गई हैं, क्योंकि बाकी के एग्जाम चल रहे हैं, तो उसमें अवेयर करना हमारा सबसे प्राइम कंसर्न है। कोरोना से बचाव के लिए पुणे में लैब तैयार, वहीं दूसरे कई शहरों में कोरोना पर वार के लिए जबरदस्त तैयारी चल रही है। आगरा के ताजमहल में विदेशी टूरिस्टों की थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है। विदेश से आने पर हर शख्स की स्क्रीनिंग हो रही है। बुधवार को 49 लोगों की स्क्रीनिंग की गई, जिसमें से 28 लोगों के सैंपल लखनऊ के लैब में भेजे गए। कोरोना का खौफ फैलने के बाद से आगरा में ताजमहल के बाहर किस तरह की व्यवस्था की गई, उसकी पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं, और जो भी सैलानी, खासकर विदेशी सैलानी दूसरे देशों से आए हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, और थर्मल गन यानी ये इंफ्रारेड गन का इस्तेमाल करके तापमान नापने की कोशिश हुई। ये देखिए, ये तस्वीरें, ये प्रशासन ने एहतियात बरता हुआ है, और थर्मल गन का इस्तेमाल करके ये देखा जा रहा है कि क्या किसी सैलानी को बुखार है, क्या कहीं पर तापमान बढ़ा है, और उसके बाद फिर टेस्ट के लिए रेकमेंड किया जाएगा। अभी हम लोग यहाँ पर स्क्रीनिंग कर रहे हैं किसी भी पर्सन के लिए, कहीं वो डिसीज है या नहीं है। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो हम उसको आइसोलेट करेंगे यहाँ से। इस वक्त कोरोना पर हमले के लिए मुस्तैदी साफ साफ दिख रही है। ये पैगाम लोगों तक पहुँच रहा है कि अगर सावधानी बरती गई तो कोरोना को थक हार कर अपनी मौत मरना होगा, और सुरक्षित रहेगा हिंदुस्तान। आगरा से आशुतोष मिश्रा के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक।